आज आपका भाई लेके आया है एलएस बिल्डर एंड कोलैबोरेटर लक्ष्य संजय की तरफ से। आज आप देख रहे हैं 30 गज का जर्से मकान। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नई लुक के अंदर आपको मिलने वाला है जर्से मकान, जिसकी अगर रोड की अगर बात करते हैं 15 फुट की चौड़ी रोड मिलने वाली है। कनेक्टिविटी फैसिलिटीज आपको हर चीज यहाँ पे आपको मकान के बाहर मिलने वाली है। मेनली मकान की अगर हम बात करते हैं, मेनली जो मकान ही रहने वाला है 15 फुट की रोड के ऊपर एंट्री करते सारी सेकंड मकान आपको मिलने वाला है। हम आ चुके हैं अपने मकान के बाहर। मकान के फ्रंट एलिवेशन की पहले अगर हम आपको बात करें, काफी अच्छा एक बेहतरीन नए लुक के साथ हम आपको फ्रंट एलिवेशन बना के देने वाले हैं, जिसके अंदर आपकी लाइट कलर की टाइल्स दी जा रही है। इसके अंदर हमें एक अलग से काम कर रखा है, आप देख रहे होंगे टाइल्स के ऊपर हम फास्टनर भी लगा के देने वाले हैं। फास्टनर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको बताया तो कि कल को टाइल्स पुरानी हो जाती है या बारिश वगैरह के चक्कर में आपकी टाइल्स गिरने का डर नहीं रहता। एज अ सेफ्टी पर्पज को देखते हुए आपको इसके अंदर टाइल्स में फास्टनर की भी प्रॉपरली फैसिलिटी दी जा रही है। हम जो फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हम आपको मिल रहे हैं सीवर। प्रॉपर यहाँ पे आपको नीचे सीवर लाइन दिख रही है, नीचे आपको जस्ट मकान के बाहर ही सीवर लाइन दी जा रही है। आपने प्रॉपरली फ्रंट से भी देखा फ्रंट एलिवेशन, देन आपको हम एंट्री कराते हैं। एंट्री कराने से पहले मैं बताना चाहूंगा, प्रॉपर यहाँ पे आपको टाइल्स बॉक्स मिलने वाला है नीचे तक, ऊपर फ्रंट एलिवेशन नीचे तक, आपको नीचे तक जो टाइल्स बॉक्स मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है बाइक पार्किंग का स्पेस। और एंट्री करते सारी यहाँ पे अगर आप इनकेस आप बाइक अगर अंदर लगाना चाहते हैं तो आपको अभी नीचे स्लाइडर टाइप बना रखा है, आप देख सकते हैं काफी एक नए लुक के साथ, एक नए ट्रेंड लुक के साथ आपको स्लाइडर जो मिल रहा है, आप इजीली बाइक अपना लगा सकते हैं एज अ सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से, रात को अपनी बाइक अंदर लगा सकते हैं। एंट्री करते ही आपको मिलने वाला है आयरन के दो गेट, काफी सेफ्टी पर्पज के हिसाब से आपको बहुत मजबूत गेट मिलने वाला है। अब हम आ चुके हैं अपने मेन एंट्रेंस की तरफ। एंट्री करते सारा ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलने वाला है ऊपर एक जाल, काफी अच्छा बेहतरीन नए डिजाइन से जाल दिया जा रहा है। और राइट साइड में आपको मिलने वाला है एमसीबी बॉक्स, आप देख सकते हैं आपको हर एक मकान के अंदर आपका भाई लगा के देता है दोनों फ्लोर के अंदर एमसीबी बॉक्स अलग से। रीजन क्या होता है आपको हर वीडियो में बताया जाता है, इसमें भी मैं बताना चाहूंगा कि प्रॉपर आप अगर रेंट पे चढ़ाने की परपज से लेते हैं वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपकी फैमिली दो रहती है तो वो भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। आपने एंट्री करते सामने राइट में देखा एमसीबी बॉक्स, यहाँ पे आपको मिलने वाली है एक अच्छी बेहतरीन किचन। अगर हम बात करते हैं 5-5 फुट तक हम इसके ऊपर टाइल्स लगा के देने वाले हैं। यहाँ पे आपको ग्रेनाइट पत्थर का भी शेल्फ मिलने वाली है और यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट की फिटिंग दी जा रही है और यहाँ पे आपको नॉर्मल एक विंडो दी जा रही है। काफी अच्छी किचन मिलने वाली है स्पेस के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि इस मकान का फ्रंट बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है, मेन रोड की लोकेशन मिलने वाली है इस मकान की आपको। जी हाँ फैमिली, आपको यहाँ मिलने वाला है काफी अच्छा स्पेशियस वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर भी आप देख सकते हैं काफी एक अच्छी टॉप तक हम टाइल्स लगा के देते हैं और आपको गीजर्स वगैरह की फिटिंग भी दी जाती है, शावर्स लेकर सैनिटरी तक आपको हर चीज की फैसिलिटी लगाई दी जाती है, वो ऐसा कस्टमाइज दी जाती है। अगर आपने देखा होगा, अगर हम नहीं लगा के दे रहे तो आपको प्रॉपर लगा के दी जाती है। चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं अपने मेन एंट्री की तरफ। मिलने वाली है काफी अच्छी स्पेशियस चेयर्स, जहाँ पे हम आपको प्रॉपरली एसएसटी ग्रिल लगा के देने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। कनेक्टिविटी फैसिलिटीज मेनली टू मेनली इसके प्राइस देरी ना करते हुए हम आ चुके हैं अपने बेडरूम के अंदर। आप देख रहे हैं प्रॉपरली अभी काम हो रहा है इस मकान के अंदर, कुछ ऐसी चीज है जो आप देख रहे होंगे कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैक्स टू मैक्स आपको प्रॉपर साइज वगैरह प्रॉपर दिखा जा रहा होगा, आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस के साथ आपको मिलने वाला है इसका बेडरूम का स्पेस। बेडरूम के प्रॉपर एक बार स्पेस देखेंगे काफी अच्छे नए लुक के साथ आपको बेडरूम स्पेस दिया जा रहा है। नीचे की अगर बात करूं, नीचे आपको मिलने वाले टाइल्स वर्क और काफी बेहतरीन आपको टाइल्स वर्क मिलने वाली है। और ऊपर की अगर मैं बात करता हूँ इस रूम के ऊपर पॉलिशिंग की अगर बात करते हैं, बहुत ही एक नए लुक के साथ आपको पॉलिशिंग का एक नया डिजाइन मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी आपने प्रॉपरली देखी पॉलिशिंग का डिजाइन। अगर हम रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं, आपको मिलने वाला है 10x10 का रूम का साइज, वो भी इस बजट के अंदर और इस लोकेशन के अंदर जो आप देख रहे हैं काफी मेट्रो और मेन रोड के काफी नियर अबाउट रहने वाली है। जी हाँ फैमिली, आप देख रहे हैं इसके अंदर रूम के साइज जस्ट इसके साथ ही आपको मिलने वाली है एसी की फिटिंग। हम आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग भी आपको यहाँ पे लगा के देने वाले हैं, आप देख सकते हैं हमने आपको ऊपर कनेक्शन भी करके दे दिया है। ओवरऑल देखा जाए स्विचेस वगैरह की अगर हम बात करते हैं, आपको हर एक मेरी दीवार के ऊपर एक नॉर्मल स्विच की बात करें, नॉर्मल स्विच भी आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं आपको कि आपको पावर स्विच है, वो भी आपको हम आपको लगा के दे देंगे। हर एक दीवार के ऊपर आपको स्विचेस मिलने वाले, आपको फॉल सीलिंग डिजाइन मिलने वाला है। टाइल्स वर्क की बात करूं, बहुत ही बेहतरीन कलर की टाइल्स मिलने वाली है,
इसके अंदर अगर आप चाहते हैं वॉलपेपर लगा लें, वॉलपेपर आपको कस्टमाइज आपका भाई लगा के दे देगा, नो एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। व्हाइट वॉश की बात करते हैं, अगर आप काम होने से पहले व्हाइट वॉश अपने पसंद से करवाना चाहते हैं तो वो भी आपको भाई आपको करा के दे देगा, नो एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। चलिए देरी ना करते चलते अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जी फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा स्पेस मिलने वाला है। अगर आप छोटा सा अगर अपना डाइनिंग स्पेस बनाना चाहते हैं तो डाइनिंग स्पेस भी यहाँ पे मिल जाएगा। और तो बात करते हैं यहाँ पे काफी अच्छे नए डिजाइन के साथ यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। टाइम फ्लोर ऊपर की बात करते हैं, ऊपर आपको मिलने वाला है पीओपी का डिजाइन और इसी के सेम हाइट साइड में आपको मिलने वाली है एमसीबी बॉक्स गेट के जस्ट बैक साइड में और यहाँ पे आपको मिलने वाला है स्विचेस का। चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के मेन बेडरूम की तरफ। इसकी जो कनेक्टिविटी रहने वाली है प्रॉपर्टी की, आपको जस्ट इसके वॉक इन डिस्टेंस में मिलने वाला है बैटरी रिक्शा, मेनली जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए मार्केट, वो आपको घर से बाहर निकलने से विद इन अ 700 मीटर की दूरी पे आपको मिलने वाला है इसका डेली बेसिस मार्केट। लाइक वो डेली बेसिस पनीर वगैरह दूध की दुकानें हो या अपने राशन की दुकानें हो वो आपको मिलने वाली है। हलवाई की दुकान की बात करते हैं वो भी आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं मेनली हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, मेरे भाइयों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं उनको चाहिए यहाँ पे जिम। यहाँ पे आपको जिम भी मिलने वाला है। अगर हम हेयर कटर या हम बात करें कि पार्लर्स वगैरह की, वो भी आपको इस प्रॉपर्टी की नियर बाय लोकेशन पे मिलने वाली है। अब आपको क्या चाहिए, बात करते हैं मेट्रो की। मेट्रो इस प्रॉपर्टी के मात्र रहने वाली है 2 किलोमीटर की दूरी पे। जी हम फ्रेंड्स, प्रॉपर ऑन मैप की अगर बात करते हैं द्वारका बोर्ड मेट्रो स्टेशन मिलने वाला आपको उसके 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर। अब हम बात करते हैं मेनली टू मेनली इसकी फैसिलिटी। फैसिलिटीज बताने से पहले मैं इसको बाकी इसका नजरिया दिखाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा फैसिलिटीज और मेनली टू मेनली प्राइस। मैं एक चीज अपने भाई बहन और माताओं को बोलना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने भार और रूफ की तरफ बताते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी आपने देखा प्रॉपरली स्पेशियस बेडरूम। अब हम आ चुके हैं इसके बाकी लेआउट के बारे में। यहाँ पे आपको मिलने वाली एक मॉड्यूलर स्पेशियस किचन। कोई भी क्लाइंट बिलीव नहीं कर रहा होगा कि कहने के लिए आपका 30 गज है पर प्रॉपर्टी की अगर नक्शा जब देख रहे हैं तो 40 गज से कम नहीं है। सही समझ रहे हैं और सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि इसकी फ्रंट की अगर बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन इसका फ्रंट मिल रहा है। जिस मकान का फ्रंट अच्छा होता है तो आप भी जानते हैं और आप भी सोचते हैं प्रॉपर्टी का नक्शा भी बहुत अलग से निकलता है। अब हम खड़े हैं यहाँ पे किचन के अंदर। किचन के अंदर आप देख रहे हैं 50-60-40 की प्रॉपर्टी देखते होंगे, बहुत सी प्रॉपर्टीज आप मार्केट में देखते होंगे, वहां पे आपको फ्रिज का स्पेस भी मिलता है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है फ्रिज का स्पेस। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी आप फ्रिज लगा सकते हैं, काफी स्पेशियस यहाँ पे आपको स्पेस मिलने वाला है। हम आ चुके हैं अपने किचन के अंदर। किचन की अगर बात करें प्रॉपर आप देख रहे हैं मॉडल किचन रहने वाली है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है सिंक का स्पेस, काफी अच्छा स्पेस रहने वाला है। यहाँ पे आपको टैप की फिटिंग मिलने वाली है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको मिलने वाली है काफी अच्छे आरओ की फिटिंग। प्रॉपरली आप इसमें आपको प्रॉपरली फिटिंग्स वगैरह आपको करा के दे रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलने वाला है यहाँ पे मेल टू मेल कबर्ड्स वगैरह के लिए जो आप देते हैं कि आपको अपना चीनी पत्ते वगैरह जो रखने के लिए जो डेली बेसिस सामान जो होते हैं मेरी बहनों माताओं के लिए वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अपना कूड़ा वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया जा रहा है। यहाँ की अगर बात करें सिल्वर वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया जाता है और मेनली बात करते हैं यहाँ पे आपको चम्मच कटोरी वगैरह होने के लिए ग्लास होने की स्पेस दिया जाता है। यहाँ पे आप रख सकते हैं प्लेट्स वगैरह जो बड़े बर्तन होते हैं, नहीं तो अगर आपको कोई सामान की रिक्वायर्ड है तो आपको ऊपर भी स्पेस दिया जा रहा है, ऊपर भी आप सामान बड़े बर्तन में रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलने वाली है चिमनी का स्पेस।
चिमनी आपको भाई आपको लगा के देगा, उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। अब हम स्पेस की बात करते हैं, किचन का स्पेस ओवरऑल देख रहे होंगे काफी अच्छा स्पेस मिलने वाला है, चार चार फुट तक आपको यहाँ पर टाइल्स मिलने वाली है, ऊपर की बात करें तो आपको व्हाइट वॉश मिलने वाला है, एक नए डिजाइन से पीओपी का डिजाइन दिया जा रहा है। चलिए हम चलते हैं बाहर, इसकी बालकनी प्लस इसके साथ जो रहने वाला वॉशरूम का स्पेस वहां पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपको फ्रिज का स्पेस आपको बताई दिया था मिलने वाला है। जी फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी बालकनी के अंदर। अब बालकनी के स्पेस की अगर बात करें प्रॉपरली एक बार बालकनी का स्पेस आप देख सकते हैं, काफी अच्छी स्पेसेस, यहाँ पे दो से तीन मेंबर्स आपके इजीली खड़े हो सकते हैं। देन आपको यहाँ पे एक मिलने वाला है एसएस का, जो हम आपको लगा के दे रहे हैं फ्रंट के अंदर, और यहाँ मिलने वाला आपको ग्लास, एक नए लुक के साथ एक नए डिजाइन से आपको मिलने वाला है 30 गज की प्रॉपर्टी। और चौकट वगैरह की बात करते हैं, यहाँ भी आपको अच्छी स्पेशियस और काफी एक चौड़ी चौखट मिलने वाली है। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ फ्रंट के, यहाँ पे भी आपको टॉप तक आप देख रहे हो टाइल्स आपको मिल रही है यू टाइप के अंदर, यहाँ पे भी आपको टाइल्स मिल रही है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है वॉशिंग का एरिया, प्लस यहाँ पे आपको मिलने वाला है वॉशरूम, वॉशरूम के बाहर भी आपको यहाँ वॉशरूम का एरिया दिया जा रहा है, यहाँ आपको स्विचेस दिए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको ड्रेनिंग पॉइंट दिया जा रहा है। हम आ चुके हैं अपने वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम की स्पेस की अगर हम बात करते हैं आप देख रहे होंगे काफी अच्छा वॉशरूम का स्पेस रहने वाला है, प्रॉपरली एक अच्छा स्पेशियस के अंदर वॉशरूम मिलने वाला है आपको बालकनी के अंदर। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिलने वाले अपने टैप्स वगैरह के लिए जो फिटिंग दी जाती है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं काफी नए डिजाइन से हम आपको टैप्स दे रहे हैं। यहाँ पे आपको ऊपर मिलने वाला है आपको शावर, काफी एक नया डिजाइनर फैंसी का शावर मिलेगा, टाइल्स आप देख रहे होंगे आपको 9 फुट तक इसकी टाइल्स दी जा रही है, जहां पे इसलिए आपका भाई खड़ा है यहाँ पे आपको मिलने वाला है सीट पॉट, जैसे डिजाइन का आप सीट चाहते हैं वैसे आपको डिजाइन का सीट चीज मिलनी है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वो गीजर की फिटिंग प्लस आपको पॉइंट इसको ऑलरेडी दिया जा रहा है, ओवरऑल हम बात करते हैं आपको हर एक चीज का ध्यान में रखते हैं आपको हर चीज दी जा रही है। चलिए हम चलते हैं अपने रूफ की तरफ और इसके हम आपको बताते हैं इसकी मेनली टू मेनली क्या क्या आपको इसके प्राइस बैंड रहने वाले और क्या क्या इसके अंदर हम आपको फैसिलिटीज लगा के देने वाले। आ चुके हैं अपने रूफ की स्टेयर्स की तरफ, अब आप देख सकते हैं स्टेयर्स के स्टेप्स के बारे में, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको प्रॉपरली जो यहाँ पे आपको जगह दिखी जा रही है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है नई डिजाइन के साथ लाइटिंग, जो आप देख रहे हैं काफी एक नए बिल्डर्स वगैरह के अंदर मिला जाता है, यहाँ प्रॉपर आपको लाइटिंग का स्पेस एंड नए डिजाइन के साथ दिया जा रहा है। हम आ चुके हैं अपनी स्टेयर्स के ऊपर, बहुत ही इजीली आपको स्टेप मिलने वाले हैं, एक नए गेट के साथ आपको भाई आपको लगा के दे रहे हैं नए लुक के साथ स्टेयर्स का गेट, आप देख रहे होंगे एक नए डिजाइन के साथ आपको स्टेयर का गेट मिलने वाला है। और हम आ चुके हैं अपनी अपने रूफ के ऊपर, काफी अच्छी इसकी रूफ रहने वाली, रूफ आप देख सकते हैं नॉर्मल टू पार्ट में डिवाइडेड आपको रूफ मिलने वाली है। अब हम इसकी बात करते हैं मेनली टू मेनली जो काफी टाइम से मेरे क्लाइंट्स देख रहे हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाली है फैसिलिटीज। फैसिलिटीज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको मिलने वाला है दिल्ली जल बोर्ड का पानी, यहाँ पे हम आपको लगा के दे रहे हैं समर सीवर, यहाँ पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट लगती है कि आपको यहाँ पे चाहिए गैस पाइपलाइन तो आपको विद इन 1 to 2 months के अंदर आपको यहाँ पे गैस पाइपलाइन भी मिल जाएगी। प्रॉपर्टी जो मिलने वाली है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मिलने वाली है, लो लेवल प्रॉपर्टी रहने वाली है, 85 to 90% का लोन मिलने वाला है, लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं आपका भाई 9 to 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। एलएस बिल्डर एंड कॉल बिल्डर्स आपको बहुत ही कम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको प्रॉपर्टी लेके देने वाला है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको ऊपर का पॉइंट मिलने वाला है और आपका रूफ का नजरिया आप देख रहे होंगे आपको रूफ का नजरिया। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी टैंक हम लगा के देने वाले हैं 550 लीटर का। जी फ्रेंड्स, रूफ के साथ साथ प्रॉपर्टी आपने देखा इसकी कनेक्टिविटी फैसिलिटी, उत्तम नगर मोहन गार्डन की लोकेशन मिलने वाली है, 15 फुट की चौड़ी रोड रहने वाली है, ओवरऑल प्रॉपर्टी आपने सर्च कर ली होगी, प्रॉपर्टी आपने प्रॉपर्टी देख ली होगी स्टार्टिंग से एंड तक, प्रॉपर्टी आप देख रहे होंगे कि अब इसकी मेन क्या रहने वाला प्राइस, प्राइस की अगर हम बात करते हैं इसका ऑफर जो प्राइस रहने वाला है लास्ट प्राइस का मिलने वाला है 31,90,000। जी हाँ फ्रेंड, सही सुन रहे हैं, 31,90,000 का प्रॉपर्टी मिलने वाली, लोनेबल प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मिलने वाली है। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन या क्वारी आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आपका भाई मेरे स्क्रीन पे लगा देता है, मोबाइल नंबर एक बार बताना चाहूंगा 9991993121 पे कॉल करें और अपने भाई को एक बार जरूरी एक बार याद करें कि प्रॉपर्टी का क्या प्राइस लास्ट मिलने वाला, जो भी अकाउंट नंबर आपका भाई रिगार्ड जरूर करेगा, आपका भाई दोबारा मिलेगा आपको एक नई वीडियो एक नए जर से मकान एक नए प्लॉट के साथ। कोई भी रिक्वायरमेंट होती है आप अपना व्हाट्सएप भी नंबर है जो लिंक दिया जाता है उस पर आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप दो आपका भाई दोबारा एक बार मिलेगा आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत, आप है तो हम है तो एलएस बिल्डर एंड कॉल बिल्डर है। जय हिंद।